जिराफ गेट लायन ऑल्सो। हमारा प्लान है आज ताज जाने का। क्लोज क्लोज सरप्राइज। देखो लेफ्ट में। सो गाइस पास से आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, हमने स्विमिंग करी और हमने सोचा कि हम 4:30-5 बजे ताज जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी हो गई थी। तो हम फाइनली अब निकले, बट फिर से दो चीजें हो गई। एक, हमारा छुटकू फिर से हो गया और दूसरा थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। तो वैसे तो हम होटल से अम्ब्रेला लेके आए हैं और हम पार्किंग में ही खड़े हैं ताज की, बट क्या करें, फिर से सो गई है। तो बस बारिश के रुकने का वेट करते हैं, फिर उसको ऐसी गोदी उठा के ले चलेंगे, बिकॉज कबीर को दिखाना है। तो इस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, साइड से देखा हमने और उसमें ताजमहल का जो शाइन आ रहा है, दैट्स अमेजिंग। ब्रेव किया, बारिश हो ही रही है तो हम बैठ गए हैं इलेक्ट्रिक कार में, जो आपको पार्किंग से लेके ताज तक लेके जाएगी। आप वॉक भी कर सकते हो, बट डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो इसलिए इसमें मजा आता है। 10-10 रुपए की टिकट है ना। हाँ। बहुत ज़बरदस्त किया, तो हमारी एंट्री हो गई। हमने एक्चुअली ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था, ऑनलाइन टिकट टोटल 2 लोगों का, क्योंकि बच्चे बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स आर फ्री। 2 लोगों का हमें 90 रुपीज़ पड़ा था इंक्लूडिंग ऑनलाइन फी। गवर्नमेंट की वेबसाइट है ASI की। हाँ ओके, वहाँ से आप टिकट ले लो। ऑनलाइन QR कोड जो है वो स्कैन होता है, आराम से एंट्री है और आपको यहाँ पे गाइड वगैरह बोलते हैं कि भाई हमसे करवा लो, एंट्री करवा लो, ये करवा लो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल ना, मतलब कैमरा में ना कैप्चर नहीं हो पाता कितना ग्रैंड लगता है सब कुछ। And this is a father and daughter creating memories. Noor ko yahan bahut maza aa raha hai. कबीर तो अपने मजे करके थक चुका है, बट क्योंकि नूर अभी उठी है ना तो उसे इतना मजा आ रहा है। शी इज एंजॉयिंग द विंड, शी इज एंजॉयिंग द प्लेस, मतलब उसके फेस पे स्माइल ही अलग है एंड सौरभ इज कैप्चरिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। कबीर कैसा लगा आपको ताजमहल इस बार? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, नदी वाला एरिया कि अंदर ताजमहल के जो आपने देखा वो, या बाहर से जो आपने पिक्चर लिया वो? द ब्लैक ताजमहल। ब्लैक ताजमहल जो है नहीं वो देख के आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? ठीक है, मैंने ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट किया था इससे। मानसी तुम बताओ कैसा लगा? मुझे तो आज अच्छा लगा, मैं तो इतनी बार आई हूँ पर आज जो वेदर था ना उसमें ताजमहल एक्सपीरियंस करने का मजा ही कुछ और था। द स्काई, द विंड, द ब्यूटी, मतलब ताजमहल की ब्यूटी और निकल के आ रही थी, यू नो, इन दिस स्काई। व्हाट एन एक्सपीरियंस, अमेजिंग, मजा आया। लास्ट में नूर जाके भी उठ गई, अभी थक गई है बिल्कुल, बट उसने भी उठ के बहुत एंजॉय किया उसने। क्या पिक्चर्स आई हैं, शी वाज इतनी खुश थी कि उसकी स्माइल नहीं खत्म हुई थी कि मैं कहां आ गई हूं, सो हैप्पी। Mommy.
बस मैं उठ जाऊंगी, पैर मार रही है कि बस उठो चलो मस्ती चले। वो लायन ढूंढ रहे हैं, लायन। आई एम लुकिंग फॉर लायन। नूर वेयर इज योर लायन बार्बी डॉल? Manu, where is her lion? तो काऊ है बस। ये रहा लायन। नूर ये देखो, सो गाइज फाइनली हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं एंड हमारा 2 days ऑफ स्टेकेशन वॉज फैंटास्टिक। स्टेकेशन वेकेशन इन विच यू स्टे इन साइड इज स्टेकेशन। सो ताजमहल विजिट सुपर्ब, प्रॉपर्टी सुपर्ब, यहाँ पे खाना वॉज ब्रिलियंट, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। नूर के लिए जो मैंने ऑप्शंस लिए खाने के वो मैं आपको बता देती हूँ। मेनली जैसे इसने ऑमलेट खाया वो इसने काफ़ी इंजॉय किया। कॉर्न्स खाती थी ये, वो बहुत इंजॉय करती थी। क्रोजो ले लेती थी, वो इंजॉय करती थी। खिचड़ी भी इसने खा ली थी, दही के साथ खिचड़ी था। फिर एग्लियो ओलियो पास्ता ले लिया था एक दिन, जिसमें हमने चिली फ्लेक्स नहीं डलवाए थे, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट शी इंजॉयड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो, दूसरे बच्चों के लिए जैसे और ऑप्शंस में इडली का ऑप्शन था, सेवियों का ऑप्शन था, पैनकेक्स का ऑप्शन था, वॉफल्स का ऑप्शन था, डोसा प्लेन डोसा का ऑप्शन था, वो भी उन्होंने इसके लिए दे दिया था। तवा रोटी आपको मिल जाती है, सिंपल दाल मिल जाती है, स्पाइसेस एडजस्ट करा के हमने कबीर के लिए भी खाना मंगाया था, तो दैट वाज आल्सो गुड। फूड वाइज हमने प्रॉपर्टी में ही खाया 2 दिन एंड द किड्स हैड अ ब्लास्ट। एंड बच्चों के लिए यहाँ पे नूर के लिए जैसे खिचड़ी दही दूध ये कॉम्प्लीमेंट्री था, इसके अलावा आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो फूड थम्स अप और हॉस्पिटैलिटी थम्स अप, रूम थम्स अप, कम्फर्ट थम्स अप। किड्स जोन मैं बोलूंगी कि हमने बाहर वाला तो एंजॉय, मतलब बाहर वाला हमने एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज बहुत ह्यूमिडिटी थी, बट इंडोर वाला हमने किया, वो थोड़ा बेटर हो सकता था। उसमें जो इक्विपमेंट वगैरह है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, राइट सौरभ? थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब जैसे यू नो क्यू स्टिक का जो ऊपर का क्यू था वो मिसिंग, क्यू स्टिक में टिप नहीं है, बॉल्स जो है वो
पूरे नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी जो हुई है जो पहले नहीं होती थी, क्योंकि नूर और कबीर ने काफी एक्सक्लूसिव टाइम स्पेंड किया विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट कबीर क्लासेस, तो कबीर बहुत ज्यादा पहली हो गया है नूर से, जो मैं देख पा रहा हूँ। आई थिंक वो एक आइडिया भी होता है एक छोटा सा वेकेशन बच्चों को अलग से देने का, क्योंकि घर में बच्चे ना अलग अलग हो जाते हैं, रूटीन अलग हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता, बट यहाँ एक्सक्लूसिव टाइम मिलता है। तो शी हैड अ ब्लास्ट, ही हैड अ ब्लास्ट, एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड हैविंग टू सी देम हैव अ ब्लास्ट। या एब्सोल्युटली जो पर्पस था उस वेकेशन का मीट हो गया, अब हम निकलते हैं एंड विल सी ऑन द रोड एंड मंडे स्कूल। ओके बट आर वी गोइंग टू